अरे अमित जी, रेखा जी। देखिए जिस तरीके से अमिताभ बच्चन गुस्से में आए उस तरीके से तो भाई सारे आर्टिस्ट आ गए तो शायद मिमिक्री का आर्ट तो खत्म ही हो जाएगा। मतलब कि अमिताभ बच्चन ने याचिका दायर की है कि भाई कोई बंदा मेरी आवाज की कॉपी नहीं करेगा, मेरी लुक की कॉपी नहीं करेगा, मेरी मिमिक्री नहीं करेगा। अब देखिए बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये चीज जो की गई है वो सुनील ग्रोवर और कृष्णा को रख के की गई है। बहुत सारे मैसेज थे मेरे पास भी, कमेंट आ रहे थे कि भाई अब जो आपके सुनील ग्रोवर हैं, कृष्णा हैं, वो नहीं कर पाएंगे अमिताभ बच्चन को क्योंकि उनका फैसला है। लेकिन आपको नहीं पता कि जस्ट नॉट फॉर कृष्णा एंड अपने सुनील ग्रोवर, ये चीजें गई हैं एक यूट्यूबर के कारण। एक यूट्यूबर है हर्ष बेनीवाल, उनकी एक वीडियो है ए डे विद टैलेंटेड सुपरस्टार, जहां पर उन्होंने अमिताभ बच्चन की कॉपी करी हुई है और वहां पर रेखा को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर रखा है। और जितने भी लोग हैं जो अमिताभ की मिमिक्री करते हैं वो कहीं ना कहीं से रेखा जी को जरूर बीच में ले आते हैं, उनका लव एंगल। और भाई हर्ष बेनीवाल ने तो बहुत कुछ कर दिया था उस टाइम पे और ये चीजें वायरल हुई। अब जितने भी लोग अमिताभ की कॉपी करते हैं वो इतना घुस जाते हैं उस चीज में कि कब अमिताभ बच्चन की तारीफ से उनकी बेइज्जती होने लगती है, जया बच्चन की बेइज्जती होने लगती है, रेखा के साथ उनका लव एंगल आ जाता है, किसी को समझ में नहीं आता। और इस चीज से अमिताभ बच्चन ने फैसला लिया है कि साला कोई मेरी मिमिक्री नहीं करेगा, कोई मेरी आवाज नहीं निकालेगा और जिसको मैं चाहूंगा बस उसी को राइट होगा, अदरवाइज आई विल फाइल अ केस। एंड अमिताभ बच्चन को यह भी पता है अब यूट्यूबर तो ही करने से रहे क्योंकि भाई यूट्यूबर की इनकम, यूट्यूबर वहीं से केस वेस हो गया और केस भी अमिताभ बच्चन है तो कम से कम भी 10-15 करोड़ का तो करेंगे भाई, कमाना मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप मेरे को बताइए बीइंग अ मिमिक्री आर्टिस्ट क्या रिएक्शन रहेगा उन लोगों का और ये सही है गलत है, अपने जरूर राय दें। बाकी मिलता हूँ फिर जल्द, बाय बाय।